ये तो कमाते हैं हर रोज 1000 करोड़, ऐसे अडानी और अंबानी क्या लोगों के लिए है जीते हैं, मुनाफा के लिए जीते हैं। और आज दुनिया में गर्मी जो बढ़ रही है, आज आप भी पसीना पसीना हो गए हैं, आज ये क्यों हो रहा है? पर्यावरण पर हमला आज देश दुनिया में किसी को भी मंजूर नहीं हो सकता है। आज विकल्प है, यहाँ खेती है तो खेती संबंधित ऐसे उद्योग लाओ जिसके कारण हवा में, पानी में, मछली में, अनाज में जहर नहीं फैलेगा। उनके प्राकृतिक समृद्धि जो जीवन के आधार है उस पर ही भरोसा है, उसी से मनुष्य जाति जिएगी। नहीं तो हम सब लोगों को कभी ना कभी श्रीलंका के जैसे किसी ना किसी के पीछे पड़ना पड़ेगा। पूरा समुन्द्र किनारे पर कब्जा हो रहा है, केवल बंदरगाह बनाने की बात नहीं है, उसके निजीकरण की बात भी है। तो अगर अडानी हो, टाटा हो, कोई बड़ी कंपनियां बंदर लेती है तो बंदरगाह के किनारे की जमीनें तो जाती है, वो चाहे पान बरज की हो चाहे खेती की हो, मछली पर असर आता है, क्योंकि वो एक बार बंदर बने तो कोई भी पर्यावरणीय नियमों की ताक नहीं रखते हैं, और कोयले से लेकर हर चीज का कार्गो चलता है, और इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी दी नहीं जाती है, और लोगों के आजीविका के साधन खत्म होते हैं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ 3000 एकड़ जमीन वो बंदरों के लिए ले लेंगे तो भी उसके साथ नए नए बड़े बड़े 4 लेन के रोड बनेंगे, नहीं तो बंदर तक माल कैसे आएगा? रेल बनेगी खास उनके लिए। एक गांव, एक पगडंडी बनाने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ता है, ये जानता है। लेकिन इन कंपनियों को एक बार उनका डेरा आ गया कि इर्द गिर्द के सभी को लेना पड़ता है। आज कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अगर लेना है तो नियमगिरी के बारे में जो फैसला है और संविधान में जो अनुच्छेद 243 लिखा गया है कि गांव से ही विकास का नियोजन शुरू होगा, पहले गांव, फिर पंचक्रोशी, फिर तहसील ब्लॉक, फिर जिला, उसके बिना एकदम ऊपर से भुवनेश्वर से ही नहीं, दिल्ली से ही नहीं, अमरीका से भी कंपनियों को थोपा जा रहा है। उनके लिए कानून बदल रहे हैं पर्यावरण के, श्रमिकों के कानून बदल रहे ताकि कंपनी की मुनाफाखोरी चलते रहे। तो इस प्रकार से गांव को पूछे बिना, सहमति लिए बिना, पंचों की नहीं, पंचायत की नहीं, ग्राम सभा की, उसके बिना योजना थोपना लोगों को मंजूर करना नहीं चाहिए। लोग अगर नहीं चाहते हैं, जो आज जो जन सैलाब यहाँ बैठा है और उन्होंने हाथ उठा करके दिखाया है, अपना वोट दिया है, चुनाव में वोट देना मतलब खरीदा जाना होता है, ये हम सब आज जानते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार के जनता की ताकत, जिसमें महिला शक्ति इतनी बड़ी है, जो पॉस्को में भी महिलाओं ने दिखाई, पॉस्को का भी सब कुछ हो गया था लेकिन पॉस्को ने छोड़ दिया। जो कंपनियां कम से कम इतना समझती है कि उनको लोगों के साथ युद्ध नहीं खेलना है, और जो अहिंसक सत्याग्रही पद्धति से कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़ते हैं वो जीतते हैं, आज नहीं तो कल। नर्मदा में भी हमने यही देखा है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लाना, उसको बंदरगाह से जोड़ना, ये बहुत ही बड़ा हिंसक हमला है। आज दुनिया में गर्मी जो बढ़ रही है, आज आप भी पसीना पसीना हो गए हैं, आज ये क्यों हो रहा है? जिस प्रकार का कार्य ऑयल एंड गैस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, केमिकल की जिंदगी बन रही है। हमने देखा है कि ब्राह्मणी नदी पर भी बंदरगाह बनाना चाहते हैं, और ये पेट्रोकेमिकल जो है वो तो किस प्रकार से कंपनियां कितना एफ्लुएंट्स अवशिष्ट पदार्थ कहाँ छोड़ेगी। आज नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है, देखिए बांध बनाकर भी हार हो चुकी है सरदार सरोवर में, कच्छ में कैनाल का पानी नहीं जा रहा है, हर चीज जो हमने कही थी समुन्दर अंदर आता है नदी को बांधने से, बहुत सारे असर। इस पर पर्यावरणीय आघात का मूल्यांकन EIA किया है क्या? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA किया है क्या? किसी कानून का पालन न करते हुए ये ऑक्शन करते हैं, ये लीज पर जमीन देते हैं, लोगों को पट्टा नहीं देता है, पर कंपनियों को कागजी पट्टे देकर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आगे चलकर क्या होगा। युवाओं को बताएंगे हम रोजगार दे देंगे, और परिवारों को बताएंगे हम तुमको कुछ लाख रुपए देंगे, ये तो कमाते हैं हर रोज 1000 करोड़, ऐसे अडानी और अंबानी
क्या लोगों के लिए है जीते हैं, मुनाफा के लिए जीते हैं। और इसीलिए कोई भी योजना लोगों की सहमति नहीं है तो थोपना नवीन पटनायक सरकार से अपेक्षित नहीं है, क्योंकि बीजू पटनायक जी एक संवादशील और समाजवादी व्यक्तिमत्व थे और उन्होंने इस माटी की रक्षा की है। गदाधर भाई ने इस माटी की रक्षा की है और यहाँ के लोगों ने बालियापाल के मिसाइल रेंज के खिलाफ अहिंसक लड़ाई लड़कर अत्याचार सहन करके भी जीत दिखाई है, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।